तो हेलो पोकेमैन, वेलकम बैक। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि पोकेमोन एनिमे में दोस्तों सॉरी दोस्तों पोकेमोन एनिमे नहीं दोस्तों सिर्फ कांटो लीग में दोस्तों टीम रॉकेट के पास कितने ज़्यादा पोकेमोन था। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों उन टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना नागवाद हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राकेश और आप लोग देख रहे हो क्रे कार्टून इंडिया चैनल को। तो दोस्तों पहले हम जेसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जेसी का एक म्यूजिंग सॉरी दोस्तों म्यूजिंग ने वो एगेंस था दोस्तों जो कि आरबॉग में विकसित हो गया। और दोस्तों जेसी के पास एक लिकी टांग भी था जो कि दोस्तों सुपर सोनिक अटैक कर सकता था। और दोस्तों जेसी के पास एक बोफिट था जो कि दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था जो कि दोस्तों बोफिट जो कि काउंटर अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और दोस्तों जेसी का जो बोफिट है ना दोस्तों वो इतना ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों, मतलब पावरफुल नहीं था लेकिन दोस्तों अगर कोई भी पोकेमोन उसके ऊपर अटैक करता है तो दोस्तों वो रिटर्न होकर दोस्तों उसी पोकेमोन की तरह आ जाता है। ऐसा ही बात है, आप लोगों को पता होगा। और दोस्तों जेसी का आरबॉक एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है जो कि दोस्तों एक बहुत ही ताकतवर पोकेमोन साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों जेसी की लापरवाही की वजह से दोस्तों जेसी ने उसको कभी अच्छे तरह से ट्रेन ही नहीं किया तो दोस्तों वो कैसे अच्छा पोकेमोन बनेगा। अगर दोस्तों वो हमारा हीरो एस के पास या फिर बॉक के पास वो पोकेमोन होता था ना तो दोस्तों आरबॉक को ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग मिलता और दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पोकेमोन साबित हो सकता था। और दोस्तों अगर जेसी की लिगिटन की बात किया जाए तो दोस्तों वो एक सोनिक टाइप सॉरी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सोनिक अटैक करता था जिससे दोस्तों पोकेमोन अक्सर ही बीमार पड़ जाता था जो कि दोस्तों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों को भी पसंद नहीं है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों जेसी ऐसा ही लापरवाही था जिससे कि दोस्तों जेसी का पोकेमोन इस कांटो लीग में दोस्तों एकदम बेकार था जो कि किसी काम का भी नहीं था। और दोस्तों अगर हम जेम्स के बारे में देखते हैं और बात करते हैं दोस्तों जेम्स के पास एक म्यूजिंग था और दोस्तों एक मिट्रीबेल था। दोस्तों मिट्रीबेल तो उसका एकदम बेकार पोकेमोन था जो कि दोस्तों उसको हमेशा ही निगाह लेता था या फिर कभी जेम्स मुसीबत नहीं पड़ता था तो मिट्रीबेल को अगर पोकेबॉल से बाहर निकालता था दोस्तों वही मिट्रीबेल आकर जेम्स को निगल जाता था। तो दोस्तों इससे समझ सकते हैं कि जेम्स कितना बेकार ट्रेनर था। और दोस्तों जेम्स का जो म्यूजिंग था वो दोस्तों कुछ काम का था लेकिन ज़्यादा काम का नहीं था दोस्तों, वो भी कुछ खास काम का नहीं है। और दोस्तों जेम्स के टीम पर एक और पोकेमोन है जिसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूँगा तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट पे जरूर गाली देंगे। तो दोस्तों उस पोकेमोन का नाम है दोस्तों मैउथ। दोस्तों मैउथ तो इंसान की तरह बोल सकता है, बस यही एक खासियत है उसके अंदर। और दोस्तों वो स्केच अटैक करने से पहले दोस्तों 100 बार भागता है दोस्तों कि मैं कैसे स्केच अटैक करूँ दोस्तों, यानी कि ये भी पोकेमोन बिल्कुल बेकार है। और दोस्तों एक अच्छा पोकेमोन भी था जो कि दोस्तों डेलीबर्ट टीम रॉकेट का जो मेंबर था दोस्तों उसके पास पैगाम लेकर जाता था दोस्तों कि उसका पैसा चुकाना कब है या फिर आज है दोस्तों, वो पैसा लेने या फिर देने आता था। लेकिन दोस्तों जेसी ने उसको पकड़ कर कुछ टाइम के लिए दोस्तों अपने पास रख लिया दोस्तों बैटल के लिए इस्तेमाल किया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही बार ख़त्म होते हैं। दोस्तों टीम रॉकेट के बारे में कांटो की जो पोकेमोन था दोस्तों मैंने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर लेना, साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को पोकेमोन रियल लाइफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट पे बता दीजिए तो दोस्तों मैं बना दूंगा पोकेमोन रियल लाइफ के बारे में। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, राकेश विश्वास भैया आप जो भी है दोस्तों आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करते हैं भैया ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि आपकी एक कमेंट दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है अपने वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कभी नेगेटिव कमेंट आपके आपने नहीं किया मुझे। और दोस्तों एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों बाय बाय। राकेश विश्वास भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी चैनल खोलते क्रिएट करते हैं यूट्यूब पर तो भैया मुझे प्लीज़ बताना कि मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँगा। तो भाई बाय बाय।